मध्य प्रदेश के भिंड शहर में भगवान महादेव का एक ऐसा मंदिर है जिसमें आज भी 1000 साल से अखंड ज्योति चल रही है। इस स्वयंभू वन खंडेश्वर महादेव मंदिर की खोज दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान ने की थी। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए दुश्मनों से जीत पाने की मन्नत मांगी थी। मनोकामना पूरी होने पर उन्होंने अखंड ज्योति जलाई थी जो कि निरंतर जल रही है। आज भी मंदिर पर लोग मन्नतें मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं, पूरी होने पर अखंड ज्योति को घी से भरते हैं। यह परंपरा आज भी भिंड शहर में बनी हुई है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। कांग्रेस भी इसे भुनाने में लग गई है, वह कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है। अब कांग्रेस 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए संकल्प पारित करेगी। इस तरह कांग्रेस बड़े वोट बैंक को साधने में लगी है। मध्य प्रदेश में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन का काम 5 मार्च से शुरू होगा। शुरुआत में 28 फरवरी तक पहले चरण में संपन्न हुई परीक्षाओं की कॉपियां जांची जाएंगी। वहीं 28 फरवरी के बाद जो एग्जाम होंगी उनकी कॉपियों की जांच 15 मार्च से शुरू होगी। यानी दो चरणों में कॉपियों को चेक किया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा शिवपुरी में संचालित महिला क्रिकेट अकादमी में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च करना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश भर से खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है। इसमें 14 साल से लेकर 21 साल के आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। भोपाल, नर्मदापुरम एवं सागर संभाग के खिलाड़ियों के लिए टैलेंट सर्च भोपाल के अंकुर खेल मैदान पर 2 और 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।